गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 8, चैप्टर नंबर 4, शक्ति और क्षमा। इस कविता के माध्यम से हमने सारी पंक्तियों में पढ़ा है कि भगवान वो पितामह भीष्म युधिष्ठिर को युद्ध क्षेत्र में समझाते हैं और दुर्योधन के को लेकर एक मूल मंत्र बताते हैं। दुर्योधन कितना क्रूर था उसके बारे में बताते हैं। एक एक पंक्ति का कवि ने इतने अच्छे ढंग से इसका वर्णन किया गया है। आगे आइए इसकी आगे वाली पंक्तियां पढ़ते हैं। सच पूछो तो सर में ही, सच पूछो तो शर में ही, बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन सम पूज उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। कितनी अच्छी पंक्तियों के बारे में इसमें लिखा गया है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे सब जगमग है। युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म युधिष्ठिर को दुर्योधन के बारे में बताते हैं और समझाते हैं। दुर्योधन कितना क्रूर है इसके बारे में भीष्म पितामह ने बताया है। आइए देखते हैं प्रस्तुत कविता में क्या दिया है। सच पूछो तो शर में ही, वास्तव में ये सच्चता है, सच्चाई है कि विनम्रता की चमक बाण में ही होती है, अर्थात पराक्रम से विनय की शोभा होती है, सब उसी से संधि सुलभ या मेलजोल की बातें करते हैं और उसी की इस संसार में पूजा की जाती है। जो ज़्यादा शक्तिशाली पराक्रमी है उसकी ही पूजा की जाती है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे सब जगमग है। प्रस्तुत कविता पंक्तियों में कवि ने कहा है सहनशीलता क्षमा। महाभारत के युद्ध के समय का ये वर्णन किया गया है। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को अंत में समझाते हुए कहते हैं, अंतिम पंक्तियों में समझाते हुए कहते हैं, ये संसार के लोग जो है सहनशील, क्षमा, दया आदि गुणों की को पूजा तभी करते हैं। इन गुणों का आदर तभी देता है जब उस क्षमाशील व्यक्ति में शक्तिशाली होने का अहंकार स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि उस व्यक्ति में शक्तिशाली अहंकार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसमें घमंड, दर्प यानी कि घमंड दिखाई देता है, उसका तेज, उसका शौर्य की चमक फैली होती है और सब उसके वश में हो जाते हैं। किसके वश में हो जाते हैं? उसकी शक्तिशाली ताकत को देखकर उसके वश में हो जाते हैं। पितामह युधिष्ठिर को बार बार समझाते हैं इन कविता के माध्यम से कविता में उस कुरुक्षेत्र का इतना अच्छा वर्णन किया गया है। बच्चों इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। हर एक पंक्तियों में अलग अलग संदेश अलग अलग तरीके से समझाया गया है। थैंक्स स्टूडेंट।